हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ यामाहा PSR i455 कॉल्ड ट्रैक कंट्रोल। तो अगर आपको भी जानना है कि ये कैसे काम करता है तो वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो ये है हमारा फंक्शन जिसे ट्रैक कंट्रोल कहते हैं। ये तबला, तानपुरा, सॉन्ग और स्टाइल तीनों के लिए काम करता है। तो ये कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये तबला तानपुरा में कैसे काम करता है। तो उसके लिए सबसे पहले तबला तानपुरा को एबल कर देते हैं। अब यहाँ कुछ बटन्स दिए गए, तो उसको यहाँ क्या लिखा गया है कि तबला 1, तबला 2, तानपुरा 1, तानपुरा 2, 3 और 4। और यहाँ स्क्रीन ऊपर देख पा रहे हैं कि 1 और 2 नंबर भी लिखा हुआ है। अब क्या होगा कि हम कोई भी तबला तानपुरा है तो वहाँ कोई भी तबला तानपुरा सेट करते, तो मैंने यहाँ 9 नंबर का एग्जांपल के तौर पे रखा है। अब इसे स्टार्ट करते हैं तो ये प्ले हो रहा है। अब क्या होगा कि एक नंबर को मैं बंद करूँगा तो ये जो कोई भी तबला तानपुरा बज रहा है उसकी जो लोअर पिच होगी वो बंद हो जाएगी, और दो नंबर बंद करने से उसकी हायर पिच होगी वो बंद हो जाएगी। तो एक एक करके दिखाता हूँ। तो पहले एक नंबर को बंद करता हूँ, अब इसे फिर से ऑन करता हूँ। अब दो नंबर को बंद करता हूँ, इसकी लोअर पिच वो अभी बज रही है और इसकी हायर पिच बंद हो गई है। अब इस एक नंबर को बंद करता हूँ और दो नंबर को, अब इसकी हायर पिच बज रही है और लोअर पिच बंद हो रही हो गई है। अब ये तो आपको पता चल गया होगा कि एक नंबर से जो कोई भी तबला तानपुरा है उसकी लोअर पिच कंट्रोल होती है और दो नंबर से हायर पिच कंट्रोल होती है। कोई और तबला तानपुरा सुना, टेम्पो को बढ़ा देता हूँ। तो इसकी लोअर पिच बंद हो गई, अब हायर पिच को बंद करते तो इसकी हायर पिच बंद हो गई। तो इस तरह ये काम करता है। अब यहाँ कुछ नंबर और बटन्स भी दिए गए जहाँ ऊपर तबला तानपुरा लिखा गया है 1, 2, 3 और 4 नंबर। तो इसका क्या कार्य है, तो ये जो कोई भी तबला बज रहा है उसके साथ तानपुरा को भी ऐड करता है। तो कैसे, तो देखते हैं। तो ये तबला बज रहा है इसे, पर यहाँ 3, 4, 5 और 6 x 1 का जो बटन है उसे प्रेस करने से उसके साथ तानपुरा भी बजेगा। तो कैसे, देखते हैं। तो आप सुन पा रहे हो कि इसके साथ तानपुरा भी बज रहा है। ये डिफरेंट टाइप्स के तानपुरा से, ये 3 नंबर पे अलग है, 4 नंबर में अलग है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि चेंजेस हो रहे हैं। ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, ये 3 हुआ। इस तरह से ये कार्य करता है कि एक और दो नंबर वो हायर पिच और लोअर पिच को बंद और चालू करता है, और 3, 4, 5 और 6 नंबर का जो बटन से वो तानपुरा को चेंज करता है। तो ये कार्य था तबला और तानपुरा के लिए ट्रैक कंट्रोल का। तो अब इतना ही कार्य करता है तबला तानपुरा के लिए। अब आते हैं सॉन्ग ऊपर। तो सॉन्ग में ये क्या कार्य करता है वो देखते हैं। तो सॉन्ग में ये क्या कार्य करता है वो देखते हैं। तो मैंने सबसे पहले सॉन्ग को एबल कर लिया है और यहाँ 11 नंबर का एग्जांपल के तौर पे रख लिया है वह सॉन्ग। अब ये क्या कार्य करते हैं तो उसको देखने के लिए सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप का ये बटन उसे प्रेस करते हैं। ये बज रहा है। अब इस बटन को यहाँ आप देख पा रहे हो कि 1, 2, 3, 4, 5 और ए नंबर यहाँ दिए गए हैं। अब इसे हम एक एक करके बंद करेंगे तो इसके ये जो सॉन्ग बज रहा है उसमें जो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बज रहा है वो एक एक करके बंद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। तो
आप सुन पा रहे कि क्या फर्क पड़ा है? तो ये सारे बटन सॉन्ग में ये कार्य करते कि जो कोई भी सॉन्ग प्ले हो रहा है वो उसमें जो जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट बज रहे होंगे वो उसे बंद करता है और चालू करता है। उसके अलावा भी एक काम करता है, तो वो क्या है आइए देखते हैं। तो यहाँ हमें जो बटन्स दिए गए हैं उसमें एक नंबर और दो नंबर है, उसके ऊपर राइट और लेफ्ट लिखा गया है। तो ये राइट और लेफ्ट लिखा है तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा ना, तो क्या मीनिंग है आइए देखते हैं। तो नॉर्मली हम जब सॉन्ग प्ले करते हैं तो या जब भी सॉन्ग प्ले करते हैं तो यहाँ ये जो हमें कीबोर्ड के सारे स्केल दिए गए, तो यहाँ हम कोई स्केल प्ले करेंगे तो हमें तुरंत ही यहाँ दिखाई देंगे। जैसे कि मैं कोई प्ले करता हूँ सारे गमा, ओके, तो मैंने ये सारे गमा प्ले किया तो यहाँ स्क्रीन ऊपर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप फिर से दिखाता हूँ, ओके, तो यहाँ प्ले करने से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह हम जब कोई सॉन्ग प्ले करते हैं तो उसका वहाँ भी कोई यहाँ स्केल प्ले हो रहा है वो यहाँ दिखाई देता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ स्केल प्ले हो रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली ये वाला जो फंक्शन है, ये स्केल दिखाई दे रहे वो अब हमारे लेसन के लिए है। जो यहाँ हमें लेसन का जो फंक्शंस दिया गया है वो लेसन के लिए ये फंक्शन हमें दिया गया है इसमें कि स्केल दिखाई देना। तो ये क्या एक्चुअली में होता क्या है कि हम जब सॉन्ग को प्ले करते यहाँ तो यहाँ स्केल दिखाई दे रहे, तो वो देख के हम उसी तरह प्ले कर सकते हैं, प्ले करें, इसलिए हमें ये फंक्शन दिया गया है। अब होता क्या है कि ये जो प्ले हो रहा है वो तो बहुत ही जड़पी जड़पी से प्ले हो रहा है और हम बिगिनर है तो फिर हमें वो पता नहीं चलेगा। तो आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ कि ये तो ये तो बहुत ही स्पीडली चल रहा है, तो आप बिगिनर है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्ले करना है क्या नहीं प्ले करना है। तो उसके लिए ये हमें बटन्स दिए गए, जिसमें राइट वाला बटन हम बंद करेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हो कि 1, 2, 3, 4 और 5 और A नंबर यहाँ आप देख पा रहे हो कि एबल किए गए हैं। अब होगा क्या कि यहाँ हम एक नंबर अगर बंद करेंगे तो राइट वाला जो कोई भी पोर्शन में जो कोई भी स्केल बज रहे होंगे तो हमें यहाँ दिखाई तो देगी स्क्रीन ऊपर, पर वो प्ले नहीं होगी, वो हमें सुनाई नहीं देगी। उसी तरह लेफ्ट वाले बटन को बंद करने से लेफ्ट में बंद जो स्केल होगे वो बज जरूर रहे होंगे और यहाँ हमें दिखाई भी दे रहे होंगे पर हमें सुनाई नहीं देगी। तो आइए कैसे काम करता है देखते हैं। तो इसे प्ले करते हैं। ओके, अब मैं राइट वाले पोर्शन का जो कोई भी उसे बंद कराऊं तो ये प्ले हो जरूर हो रहा है, ये आप देख पा रहे हो, पर हमें सुनाई नहीं दे रहा। अब इसे फिर से चालू करता हूं, अब लेफ्ट वाला बंद करता हूं तो ये प्ले जरूर हो रहा है पर हमें सुनाई नहीं दे रहा। तो ये कार्य है ये राइट और लेफ्ट वाले बटन का, कि हम जब भी कोई लेसन सीख रहे हैं तो राइट वाले बटन को प्रेस करने से पूरे का पूरा राइट का जो पोर्शन है उसमें जो कोई भी स्केल प्ले हो रहे होंगे वो बंद हो जाएगी, और 2 नंबर को बंद करने से या जो कोई भी लेफ्ट में जो कोई भी स्केल प्ले हो रहे होंगे सॉन्ग में वो बंद हो जाएगी। तो आगे हमने देखा कि इसके क्या कार्य है, उसी तरह एक और भी इसका कार्य है कि हमारे इस प्यारों में रिकॉर्डिंग का भी एक फंक्शन दिया गया है जो आप देख पा रहे हैं। मैंने इसका डिटेल वीडियो बना दिया है, अब लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके देख सकते हैं। तो इसका कार्य क्या है इस रिकॉर्डिंग के फंक्शन में, तो हम जब कोई अपनी प्लेइंग परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग करते हैं और उसके बाद हमें उसे सुनना हो
तो हमें सिर्फ अपने कौन से स्केल प्ले किए हैं हमने वो सुनना हो, और उसके साथ जो स्टाइल बज रही है उसे न सुनना हो, तो इस बटन से हम उसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो मैंने एक सॉन्ग छोटा सा मैंने यहाँ प्ले किया है, तो प्ले करता हूँ उसे। तो अब यहाँ जो कोई भी मैंने प्ले किया है, तो जो मैंने परफॉर्मेंस अपनी यहाँ से प्ले की है उसे बंद करना हो, सिर्फ मुझे स्टाइल सुनना हो, तो ये एक नंबर का जो बटन है उसे बंद कर देना है, और जो मैंने परफॉर्मेंस की है और उसके साथ में जो स्टाइल बज रही है उसे बंद करना हो, तो ये 6 नंबर का जो बटन है उसे मुझे बंद कर देना है। तो ये कैसे करना है देखते हैं। तो स्टाइल बनने करने के लिए अब फिर से दिखाता हूँ। अब स्केल जो बज रहा है उसे बंद करने के लिए एक नंबर का बटन बंद करना है। तो एक नंबर से हम जो प्ले कर रहे हैं उसे बंद कर सकते हैं, और 6 नंबर से जो उसके पीछे स्टाइल बज रही है वो बंद कर सकते हैं इस रिकॉर्डिंग के फंक्शन हमने जो रिकॉर्डिंग की है उसमें। अब मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि एक नंबर से हम जो परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हैं उसे बंद कर सकते, और 6 नंबर से हम जो स्टाइल बज रहे हैं रिकॉर्डिंग में उसे बंद कर सकते। अब उसका एक और कार्य है रिकॉर्डिंग से जो जुड़ा हुआ है, तो क्या है वो देखते हैं। तो जब हम कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, तो मैंने यहाँ यूज़र 2 में इस रिकॉर्डिंग कर रखी है, आपने सुनी ये 1 नंबर को प्ले करूँ। ओके, तो इसे मुझे डिलीट करना हो तो इस बटन से हम डिलीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले ये हमें 1 नंबर और 6 नंबर का जो बटन है उसे हमें दोनों को साथ में प्रेस कर रखना है। जैसे कि मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ आ जाएगा क्लियर यूज़र 2, यस और नो ऐसा आएगा। तो हमें अब यस कहाँ से करना है, ओके कहाँ से करना है, तो यहाँ ये बटन्स दिए गए हैं, यहाँ यस वाला जो बटन है प्लस वाला उसके नीचे यस लिखा गया है, उसे प्रेस करने से हमारी जो कोई भी रिकॉर्डिंग ही थी यूज़र 2 में वो डिलीट हो जाएगी। तो इसे प्रेस करते ही यस फिर से श्योर आएगा, तो इसे फिर से प्रेस करने से ये राइटिंग आएगा और हमारी जो कोई भी रिकॉर्डिंग हुई थी वो डिलीट हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हो राइटिंग आ रहा है। अब इसे प्रेस करने पर कोई भी रिकॉर्डिंग यहाँ नहीं बची है क्योंकि मैंने यहाँ से डिलीट कर दिए। फिर से एक बार हो यहाँ यूज़र 1 में भी डिलीट कर दिए मैंने, ये यूज़र 3 में मैंने कर रखी है। ओके, तो इसे डिलीट करने के लिए 1 और 6 नंबर का बटन है उसे प्रेस करना है, और यहाँ दो दो बार इसे प्रेस करना है। ओके, राइटिंग आ जाएगा और यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये फंक्शन भी एक अच्छा है। तो ये सारे काम थे सॉन्ग के। अब आते हैं स्टाइल पे। तो यहाँ बटन्स को हम देखें तो सबसे ऊपर लिखा है तानपुरा और तबला के लिए, उसके नीचे राइट लेफ्ट 1 3 4 5 ए वो है सॉन्ग के लिए, और उसके नीचे है ये जब ड्रम बेस कोड 1 कोड 2 पेड फ्रेजिस वो सब है स्टाइल के लिए। तो ये कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टाइल का बटन को प्रेस करना है, उसे एबल करना है, और यहाँ स्क्रीन ऊपर आप देख पा रहे हो कि 2 नंबर का स्टाइल आ चुका है। अब उसे हम स्टार्ट करते, तो कुछ ये ऐसा प्ले हो रहा है। इस वक्त सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं। अब क्या होगा कि हम इसे ये जब इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे उसे हम स्टार्ट ऑन कर सकते हैं ऑफ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो पहले स्टार्ट करते हैं।
तो एक नंबर के नीचे लिखा गया है ड्रम, आप देख पा रहे हो ड्रम्स लिखा गया है। तो इस ड्रम्स वाले बटन को बंद करने से जो कोई भी ड्रम बज रहा है इस टाइम पे वो बंद हो जाएगा। बेस, उसके बाद दो नंबर में बेस लिखा गया है, बेस को हम बंद करने से, दो नंबर को बंद करने से ये इसमें जो बेस बज रहा है वो बंद हो जाएगा। कोड 1, कोड 2, पेड और प्रेजिस इसी तरह प्रेस करने से बंद हो गए। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबको पहले बंद कर देते हैं, ओके। अब यहाँ लिखा है ड्रम, तो उसे एबल करने से सिर्फ ड्रम ही प्ले होगा, ये सिर्फ ड्रम ही बज रहे हैं। अब यहाँ बास लिखा है, तो बेस, तो सिर्फ बेस ही बजेगा। कोड 1, तो ये कोड, एक कोड ही बजेगा, उसके साथ कोड 2, ओके। फिर पेड, ये पेड बज रहा है और ये फ्रेजिस, ओके। तो ये सभी के सभी जो कोई इंस्ट्रूमेंट है वो मिक्स होके एक स्टाइल बनता है, तो ओके, ये सभी मिक्स होके एक स्टाइल बनी, तो आप देख पा रहे हैं। तो आप कोई पर्टिकुलर स्टाइल बजा के उसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट को आप ऑन को ऑफ कर सकते हैं उस बटन से। तो ये कार्य था स्टाइल में। तो आपने देखा कि ये फंक्शन एक है पर कार्य अनेक करता है, जैसे कि तबला, तानपुरा, सॉन्ग और स्टाइल में ये और सभी कार्य करता है। तो आशा करता हूँ कि मैं ये भी आपको अच्छे से मालूम हो चुका होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। धन्यवाद।